ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। राज क्लब द्वारा निर्मल गेस्ट हाउस में फ्री हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा जिला अध्यक्ष दिनेश कुमार विशेष तौर पर मौजूद थे। शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने अपने स्वास्थ्य की जांच कराई और चिकित्सकों से सलाह मशविरा भी किया। फ्री हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया है निर्मल गेस्ट हाउस में। इसमें इनके समाज के अलावा जो पूजा कमेटी के सम्मानित सदस्य हैं, उनके परिवार के लोग और आसपास के लोग जिन तक सूचना पहुंच पाई है, वे सभी लोग आकर यहां पर अपना फ्री हेल्थ चेकअप करा रहे हैं। ताकि जिस प्रकार के जीवन हम सभी लोग आजकल दिनचर्या हो गया है, सभी लोग काफ़ी व्यस्त रहते हैं और व्यस्त समय पर अगर थोड़ा समय निकाल कर अपने शारीरिक जीवन को हम सभी लोग चेकअप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर लें, क्या बीमारी है या किसी प्रकार की बीमारी नहीं है, तो अपनी दिनचर्या को अच्छी तरह से रखें तो स्वस्थ रहेंगे। बंग भाषी साहित्य सम्मेलन द्वारा मिलानी में आयोजित साहित्य सेमिनार में राज्य के बाहर से आए लोगों ने भी भाग लिया। साहित्य सेमिनार में जाने माने बंगला साहित्यकार भागीरथ मिश्रा मुख्य वक्ता के तौर पर मौजूद थे। बंगला भाषा के प्रचार प्रसार एवं साहित्य के प्रसार पर चर्चा हुई। साथ ही द्वितीय राजभाषा का दर्जा मिलने के बावजूद बंगला शिक्षकों और पाठ्य पुस्तकों के अभाव पर आत्मचिंतन भी किया गया। बंग साहित्य सम्मेलन जमसपुर ब्रांच की ओर से एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया है और ये हमारे 61वां वार्षिक साहित्य उत्सव मनाया जा रहा है और इसमें हमारे काफ़ी साहित्यकार लोग देश के कोने कोने से आए हैं और हमारे आज के जो मुख्य अतिथि हैं वो है विशिष्ट साहित्यकार श्री भागीरथ मिश्रा जी। आज दिन भर का कार्यक्रम है जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और साहित्य पर काफ़ी चर्चा होगी। इसके अलावा हमारी जो समस्या है उस पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। चलते फिर से एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। डॉक्टर से अखिलेश सिंह के नाम पर 5 लाख रंगदारी मांगने वाला चढ़ा पुलिस के हत्थे। पूर्ण शराबबंदी की मांग को लेकर झारखंड विकास मोर्चा ने दिया एक दिवसीय धरना। सिख नौजवान सभा ने कराया 4 जोड़ी गरीब कन्याओं का विवाह, गृहस्थी के सभी सामानों के साथ किया विदा। और 3 माह बाद फिर आयोजित हुआ जैम एट स्ट्रीट, युवाओं की भारी भीड़ उम्मीद।